सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और उदयपुर का मौसम भी बहुत बढ़िया है। आज है सैटरडे और मेरी है छुट्टी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस छुट्टी को थोड़ा यूटिलाइज़ किया जाए। और मैं पिछले 8 महीने से उदयपुर में था और मैंने उदयपुर का कुछ भी नहीं घूमा था। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द मानसून टू कम, क्योंकि उदयपुर इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल इन मानसून ओनली। सो आज आई डिसाइडेड और एक फ्रेंड को भी बुलाया कि चल आज थोड़ा घूमने चलते हैं। तो देर इज़ अ सेक्लूडेड प्लेस कॉल्ड रायता, बड़ा सुंदर हो जाता है मानसून के टाइम पे, और भगवान ने थोड़ी दया भी कर दी तो अभी बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, बट एट द हिल टॉप काफ़ी सुंदर दिखने के चांसेस हैं। अभी मैं निकलता हूँ रायता के लिए, बट फर्स्टली मेरे को अपना फ्रेंड पिक करना है, तो पहले वहाँ चलते हैं फिर वहाँ चलते हैं। कहाँ कहाँ चलते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तो देखते रहिए। मौसम तो फिलहाल बड़ा सेक्सी होता जा रहा है धीरे धीरे, मतलब बारिश थोड़ी थोड़ी, पानी की बूंदें अगर शीशे पे दिख रही हो तो थोड़ी थोड़ी बारिश आनी शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे मौसम और ज़्यादा सेक्सी हो जाएगा, मतलब ऐसी मेरे को उम्मीद है। और पहाड़ के ऊपर तो बस मौसम फिर सेक्सी सेक्सी दिखता है, तो बस मौज मचा देंगे आज, मौज। अपने पापा की बारात में जा रहा है क्या, तैयार हो गया है घोसड़ी का? हो भाई, अरे लग गई यार बेचू यार। अरे वो तो ठीक है, पापा की बारात में जा रहा है क्या, इतना तैयार होके क्यों आया? यार क्या करूं, लोड से दोस्त गंदे पड़े थे यार, सर क्या करें। एक इसको देखो एक मेरे को देखो, घोसड़ी का। हाँ जी, तो जस्ट नाउ आई एम एंटरिंग द फॉरेस्ट एरिया, थोड़ा जंगल पड़ता है रास्ते में, जंगली जानवर भी आते हैं जो कि मेरे को बड़े पसंद है, लेकिन अभी दिखने को मिलेंगे नहीं क्योंकि वो बेसिकली दिखते हैं रात के टाइम पे या फिर अर्ली मॉर्निंग में, और रात के टाइम पे ये रास्ता इतना सेफ कंसिडर नहीं किया जाता है एज टोल्ड बाय माई फ्रेंड, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो उदयपुर का हूँ नहीं, तो आई डोंट नो अ शिट। तो इफ यू आर नॉट फ्रॉम उदयपुर तो मैं आपको बता दूँ, रायता जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो उदयपुर सिटी के बाहर से होके जाता है, दैट बेसिकली गोज फ्रॉम बड़गांव से क्या था, बड़गांव थूर एंड देन यू एंटर द विलेज मदार, और मदार के बाद एक फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाता है, और उस फॉरेस्ट एरिया को क्रॉस करते करते आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दोगे तो आप वहां पहुंच जाओगे। और दूसरा जो रास्ता जाता है वो सिटी के अंदर से होके, जो उदयपुर से नहीं है उनको भी खैर मानसून पैलेस का तो पता ही होगा, ठीक है, तो वो रास्ता जाता है मानसून पैलेस से होके और फिर आती है आपकी बड़ी लेक एंड देन यू विल हेड टुवर्ड्स रायता हिल्स। हाँ रायता हिल्स, अब से याद रखना पड़ेगा, रायता मतलब पीने वाला रायता, तो वही रायता उसका बना दिया पहाड़, राई का पहाड़ तो सुना था, रायते का पहाड़ हो गया आज से। चलो अभी तो शुरुआत है, आगे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और भी बढ़िया बढ़िया रास्ते पे गाड़ी चलाने के लिए मिलेगी। मैं हिमाचल के बहुत पहाड़ों पे गया हूँ, उत्तराखंड में मैं काफ़ी पहाड़ों पे गया हूँ, हिमाचल में टफ टेरेंस पे भी मैंने चलाई है, लाइक एकदम स्लोप वाले पे। राजस्थान में भी पहाड़ हैं ये मेरे को पहले नहीं पता था, ये पता था अरावली हिल्स रेंज पड़ती है, लेकिन इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं ये मेरे को नहीं पता था, तो आज वो भी मेरे को एक्सप्लोर करने को मिलेंगे कि मैं राजस्थान के सुंदर वाले पहाड़ों पे जा रहा हूँ। मेरे को सीधा रास्ता एक सिंगल वे है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा रास्ता है, बटिया इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो धीरे धीमी धीमी बारिश हो रही है और धीमे धीमे ही हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, मतलब जस्ट अभी पहाड़ पे चढ़ना शुरू हुआ है एंड जो चढ़ाई है इट्स वेरी स्टीप। अरे वाह, चढ़ती उतर भी गए, मज़ा आ गया। चढ़ाई वो वाली, वो चढ़ेंगे। अच्छा वहाँ, वो हाँ वो चढ़ेंगे, तो बेसिकली हमें वहाँ जाना है। वहाँ अभी कैमरे में नहीं दिखेगा ना, मैं जूम करके दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे को गाड़ी चलानी है। सारे मिलिट्री कैंप्स बने हुए हैं, कैंप्स सारे। अच्छा मतलब यहाँ से सब मिलिट्री, मतलब ये पूरा एक तरह से मतलब मिलिट्री ने ऑक्यूपाई किया हुआ है सब। हाँ, मिलिट्री ने सब जगह रखी है, उनके रहने खाने की पीने की व्यवस्था। अच्छा अच्छा
सही है। बाकी मौसम सच में बड़ा सेक्सी हो गया है, मेरे को उम्मीद नहीं थी क्योंकि सुबह के टाइम पे थोड़ी धूप थी तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं जा पाऊंगा, क्योंकि धूप के टाइम पे जाने का तो कोई मतलब है नहीं। बट देन वो मूवी है ना, कोई मिल गया, कोई मिल गया ही है ना, जिसमें जादू को धूप नहीं मिलती, फिर ऋतिक रोशन ऊपर हाथ जोड़ के बोलते हे कृष्ण भगवान, और वो बास्केटबॉल का मैच जीत जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में। मैंने भी यही बोला, हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण भगवान आज अपनी बंसी बजा दे। और कृष्ण भगवान ने धूप हटा के बारिश कर दी, मौसम बढ़िया हो गया और मैं चल दिया। पहाड़ बड़े सुंदर है यहाँ पे भी, चलिए। क्यों भाई साहब, क्या व्यू है। I would like to show you this view। गाड़ी रोक के एक मिनट अभी दिखाता हूँ मैं। अभी जस्ट मैंने गाड़ी रोकी है और मैं आपको दिखाता हूँ कितने सुंदर नज़ारे हैं। जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, जस्ट लुक एट द व्यू। ये है मानसून में उदयपुर की सुंदरता। अपन वहाँ से वहां से ये रही मेरी धन्नो। तो चलो अभी दोबारा आगे चलना शुरू करते हैं। अगर यहाँ इतना सुंदर है तो और ऊपर कितना ही सुंदर होगा, मजा आ जाएगा। मजा पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन सामने ना धुआं धुआं सा दिख रहा है। तो बेसिकली हम ना अभी बादलों के लिटरली बीच में से होके जाएंगे, मतलब इतना ऊंचाई पे है ये। छोड़ यार, कितना ही सुंदर व्यू है, कितनी बार बोलूं मैं, कितनी बार बोलूं, शायद अब यू कैन सी द फोगी फोगी थिंग। ये बेसिकली बादल ही हैं, बादलों के बीच से होके जाएंगे। सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम उदयपुर और आप उदयपुर घूमने आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट ये सिटी पैलेस वैलेस, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है तो जाओ, लेकिन स्पेशली इन्हीं को देखने आ रहे हो तो मत आओ। उदयपुर में आओ, स्पेंड 2-3 डेज और जो उदयपुर के पहाड़ों पे जो जगह है ना वो एक्सप्लोर करो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे महादेव जी के टेंपल वेम्पल हैं, वो सब पहाड़ों पे हैं, बड़ी सेक्लूडेड जगहों पे हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स टू वॉच इन उदयपुर ऑल्सो रायता हिल्स हो गए। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, लाइक रायता हिल के हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुँचने वाले हैं। और भाई यहाँ बादलों के बीच दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। हेलो, यार यहाँ पे तो आपको शायद थोड़ा वो दिख रहा है बट आगे पूरा धुआं ही धुआं है। लिटरली वी आर पासिंग थ्रू द क्लाउड्स, ऐसा लिटरली फील हो रहा है और हम क्लाउड्स के बीच से ही पास कर रहे हैं। साइड में देखो आप, घाटी देख नहीं सकते बादल ही बादल हैं। क्यों चौंक गए ना, ऐसी तगड़ी जगह पे लेके जा रहा हूँ, चौंक जाओगे। वो आपने हमारे हेवी ड्राइवर ड्राइव करते हुए इस ब्लॉग के लिए कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी। ये ब्लॉग के लिए कुर्बानी नहीं है, ये मेरी दिलो तमन्ना है चीजें एक्सप्लोर करना, ऐसे ऐसे रास्तों पे से जाना, मजा आता है। वैसे यहाँ पे गाड़ी चाहिए 4x4 ले। रिवर्स लेने का चांस तो है भाई, यहाँ से वापस ऊपर नहीं चढ़ेगी शायद, वही है चले गए तो। हाँ वही है, क्या करें स्टॉप वापस चले।
हाँ काटो, आंदो आंदो, हल्की सी आंदो आंदो, स्टार्ट करो, जान दो जान दो, हल्की सी और जान दो, बस अब स्टार्ट करो, स्टार्ट कर दो, कर दो स्टार्ट, करते रहो स्टार्ट, कर दो। हैवी ड्राइवर चैंपियन 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 भाई। तो जस्ट अभी क्या सीन हुआ, जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो बड़ा ही ख़राब रास्ता था, और गाड़ी 4x4 तो है नहीं मेरी, तो गाड़ी ऑब्वियसली जा नहीं पाती। तो फिर हमें एक लोकल मिले और उन्होंने बताया कि आप यहाँ से बैक ले लीजिए, और जस्ट जैसे ही आप नीचे उतरोगे हल्का सा, तो सेम उधर से एक रास्ता जा रहा है, तो आप वहाँ से चले जाइए, बट रास्ता वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सो आई जस्ट ट्राई वहाँ से जाने का, अगर वहाँ से भी नहीं जा पाता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को एक दिन की शॉर्ट ट्रिप यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी, बट लेट्स सी जा पाता हूँ या नहीं, आई जस्ट लेट यू नो गाइस। ओके, तो अभी उस भाई ने हमें रास्ता बताया, तो मैंने वो वाला रास्ता ले लिया है। रास्ता तो ये वाला भी काफ़ी ख़तरनाक ही लग रहा है मेरे को, मतलब यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको पक्के रास्ते, मतलब जो पक्की सड़क होती है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी, मतलब एक पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। उस पॉइंट के बाद आपको या तो इन पथरीले रास्तों पे चलना पड़ेगा, और बारिश के मौसम में ना ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी गाड़ी फंसने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसीलिए जो मैंने वो पीछे वाला रास्ता लिया था, उससे मैं मोड़ के इस वाले रास्ते पे आया हूँ। होपफुली अगर मैं ऊपर पहाड़ तक पहुँच पाऊँ, मतलब जो भी रायता हिल टॉप है वहाँ तक पहुँच पाऊँ, तो मैं आपको एक बहुत सुंदर व्यू दिखा पाऊँगा। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस व्लॉग को, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़े बढ़ाओ यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो ये है मेन रायता, देख रहे हो आप, देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो चलो आपको अब दिखा देते हैं तगड़ा सा व्यू, और थोड़ी देर में बीच में तो आई थॉट कि अब गाड़ी तो आगे जा नहीं पाएगी, एंड इट्स नॉट सेफ कि मैं यहाँ गाड़ी पार्क करके और 5 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके चला जाऊँ। मैं तो चला जाता, बट इट्स नॉट सेफ फॉर माय कार, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार तो रहता नहीं है। हाँ जी मामा जी, गाड़ी रख लो, मैं थोड़ा आता हूँ घूम घाम के बाद में कोई गाड़ी को नुकसान पहुँचा देगा। चलो फिर पहुँचाते हैं आपको, मतलब दिखाते हैं आपको ऊपर का व्यू जी। तो ढेर सारे फोटो खींच के और कुछ रील बना के मैं वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लग गया हूँ। एंड मतलब आप मनाली जाते हो, आप शिमला जाते हो, मतलब नो डाउट बहुत सुंदर पहाड़ है वहाँ भी, लेकिन वहाँ पे आपको ना ऑलमोस्ट पक्की सड़कें मिल जाती हैं। अब तो ये है कि ऑलमोस्ट लद्दाख तक भी आपको पक्की सड़कें मिल जाती हैं, लेकिन उदयपुर के जस्ट मैं हल्का सा बाहर आया और पक्की सड़कें ख़त्म। तो मतलब इट्स लाइक अ प्रीटी रॉ एक्सपीरियंस, मतलब बड़े ही रॉ पहाड़ हैं यहाँ पे, मतलब एक मतलब जो ये होता है प्रकृति की गोद वाला एक्सपीरियंस, लिटरली वो फील हो रहा है। सो आई वुड रिकमेंड दिस प्लेस टू ऑल ऑफ यू, एंड यू वॉन्ट टू सी ऑल द फोटोज एंड ऑल द रील्स एंड ऑल दैट स्टफ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स prince_he_yuvraj_ है, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान था। और देख रहे हो आगे क्या रॉकी रोड्स हैं, बस कोई पत्थर छटक के नीचे ना लग जाए गाड़ी के। वी हैव रीच्ड द हिल टॉप पॉइंट ऑफ द रायता हिल्स। सो जो आप सामने देख रहे हो ना, वहाँ पे थोड़ी भीड़ है, तो वो वही है रायता हिल टॉप, और हम पहुँच गए हैं। तो आई शो यू द व्यू फ्रॉम द टॉप, और क्या ही तगड़ा व्यू रहेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ओह बड़े झंझट हुए यार यहाँ तक पहुँचने में, मतलब अरे यार यहाँ तो बहुत ही भीड़ है, लोगों ने इसको पूरी तरह से कमर्शलाइज कर ही दिया है देखा जाए तो। और हाँ मैं आपको व्लॉग के मैंने शुरुआत में बताया था कि देर आर टू वेज जहाँ से आप रायता आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली आई टुक दी अदर वे, सिटी के अंदर से होके मैं नहीं आया, सो दैट हैज़ कॉस्टेड मी सम टाइम, एज वेल एज बहुत ज़्यादा पत्थर थे कि इट वॉज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट गाड़ी वहाँ से निकालना भी, इतने ज़्यादा पत्थर थे।
ठीक है, और इतने बड़े बड़े मतलब पहाड़ के कटे हुए जो पत्थर होते हैं ना वो थे कि गाड़ी के नीचे लग जाए तो इट कैन हार्म योर कार। सो या इट वॉज अ प्रीटी डिफिकल्ट राइड बट एडवेंचरस टू, एंड नाउ आई हैव रीच्ड द हिल टॉप। सो मिलता हूँ मैं आपसे बाहर और आपको दिखाता हूँ। सो दिस व्यू यू कैन गेट फ्रॉम द रायता हिल टॉप। शायद कैमरे में इतना सुंदर ना भी लगे बट लगना तो चाहिए, बट व्यू सच में बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर, जिसको बोलते हैं ना वो है, नशा हो जाते हैं आके। ये जगह मेरे को मतलब देखने पे ना ऐसे लग रही है जैसे चाय पत्ती की बात, अरे नहीं मतलब मैक्लोडगंज आप जाते हो ना तो मैक्लोडगंज से आगे पड़ती है खजियार करके जगह, हिमाचल में पड़ती है। तो खजियार भी आप जाओगे ना तो आपको ऐसे पहाड़ों के वहाँ पे एक खुला सा ग्रीन, लश ग्रीन वाला मैदान दिखेगा, और मतलब काफ़ी बड़ा सा मैदान है। तो ये भी बेसिकली ऐसा ही है, मतलब पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर पूरा लश ग्रीन मैदान सा लग रहा है, ये मतलब प्रॉपर मैदान, इतना सुंदर लग रहा है ना। सो प्लीज़ कम है, बड़ी बढ़िया जगह है, जस्ट लुक एट द व्यू। हाँ कहाँ से? उधर से आ रहे हैं हम। हाँ। कैसे पता? झंडा कहाँ है? तो हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं, मतलब वो तो आधा रास्ता है वहाँ पे, जो मैं आपको ब्लॉग में बता रहा होता हूँ यहाँ पे मिलिट्री कैंप्स है, तो बेसिकली मिलिट्री कैंप्स वहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं कैमरा में, तो वहाँ से पूरा पहाड़ चीरते हुए उतर के उतर के उतर के उतर के देन जस्ट फॉर दिस व्यू, एंड इट्स अ वन व्यू टू डाई फॉर। सच में बहुत सुंदर व्यू है, ज़रूर आइए, मज़े लीजिए मज़े, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ पिकनिक स्पॉट, सो यू कैन श्योरली कम हियर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर गर्लफ्रेंड अगर है तो, अपनी तो है नहीं, हम बनाते ही नहीं, विश्वास ही नहीं है लड़कियों पे हमें, तो या इट्स लाइक अ गुड पिकनिक स्पॉट, यू कैन कम हियर, यू कैन स्टे हियर ऑल डे, यू कैन चिल, यू कैन हैव सर्टेन ड्रिंक्स, मज़े करो, वापस अपने घर चले जाओ। और हाँ, कूड़ा यहाँ मत छोड़ के जाओ, ये हमारी प्रकृति की धरोहर है जिसको हमें संजोना है, संवारना है, तो उस चीज़ पे थोड़ा खासा ध्यान दो, वो सब बकचोदियाँ मत करो यहाँ, उसके अलावा इंजॉय करो यार। ये देखो किसने कप कप फेंके हुए, क्यों इंजॉय करने वाली जगह इंजॉय करो अभी ना, इतना प्यारा मौसम है ना, इतना प्यारा मौसम है ना, धीमी 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 भी बरसात हो रही है, और धीमी धीमी बरसात के साथ यहाँ चल रही है बहुत तेज़ हवा, आंधी वाली हवा नहीं बोल सकते हम उसे, जो प्यारी वाली हवा होती है ना, जो बड़ी तेज़ चलती है और जो मतलब यू कैन फील दैट हवा, तो वो वाली हवा चल रही है, तो काफ़ी ना क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिफ्रेशिंग, काफ़ी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है। वैसे भी मेरे को बाहर घूमे हुए बहुत टाइम हो गया था, कहीं भी गए, लास्ट में गोवा गया था, उसके बाद मैं ऐसे किसी जगह पर घूमने नहीं गया था, सो अप्रैल मई जून जुलाई, इट्स बीन लाइक आफ्टर 3 months आई एम ट्रैवलिंग टू सम अदर प्लेस, नॉट एग्जैक्टली ट्रैवलिंग क्योंकि उदयपुर में रहती हूँ तो ट्रैवलिंग नहीं हुई, बट हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है, सॉरी काफ़ी रिफ्रेशिंग है। इनको चूती ये काम कर देते हैं, मत क्या करो भाई, मत क्या करो। हाँ जी, तो एक मतलब बड़ी बेहतरीन जगह आया मैं काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद, तो मतलब पिछले 2 साल से कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं हर बार पहाड़ों पे ज़रूर जाता था, चाहे वो हिमाचल के पहाड़ हों, चाहे वो उत्तराखंड के पहाड़ हों, लेकिन इस बार मैं उदयपुर में था तो मैं किसी पहाड़ पे तो ऑब्वियसली जा नहीं सकता था, तो अब उदयपुर के पहाड़ों पर आ गए, बट यार क्या मस्त ही एक्सपीरियंस था, मतलब फील आ गया, फील मतलब मैं मिस नहीं कर रहा हूँ काइंड ऑफ अपने हिमाचल के पहाड़ों को, उत्तराखंड के पहाड़ों को। हाँ, उनकी एक अलग खास बात है, उनकी एक अलग सुंदरता है, लेकिन इसकी भी एक अलग सुंदरता है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, एंड जो हवा चल रही है कितनी ही प्यारी चल रही है, एंड आई रियली एंजॉयड द प्लेस, सो आई गेस यू ऑल शुड कम। चलो आपसे मिलते हैं आगे, बाय बाय जी। तो अब हम निकल लिए हैं यहाँ से वापस अपने उदयपुर की तरफ, यहाँ पे आज सच कुछ और करने का था नहीं, इट वॉज जस्ट यू कुड सिट हेयर फॉर सो लॉन्ग एज यू वॉन्ट, और अब
बस प्रकृति के मजे लीजिए, कुछ इंजॉय इंजॉय करिए। अभी चलिए अभी अपना वापस उदयपुर के लिए निकलते हैं, और अगर रास्ते में कहीं रुकते हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, तो जाते हुए हमें बड़े ही प्यारे रोड मिल रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली दूसरा रूट ले रहे हैं। उस रूट पे इतने पत्थर थे कि गाड़ी ऊपर तो चढ़ी नहीं पाती, सो वी हैड टू टेक द अनदर रूट। और ये तो इतना प्लेन रास्ता है ना, क्या मज़ा सा आ रहा है यहाँ पे चलाने में। पता नहीं मैं उस रूट से क्यों आया, लेकिन आया वो भी ठीक ही किया। इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। तो अभी नीचे उतर रहे हैं हम लोग, उतर क्या रहे मतलब ऑलमोस्ट नीचे उतर गए हैं। तो चलिए